हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टिकल ग्लोब में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इन फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए आगे इसी टाइप की वीडियो लेके आता रहूँ। और नीचे कमेंट कर दीजिएगा जैसे कि आपकी इच्छा हो, उसके ही हिसाब से मैं फिर वीडियो बनाता हूँ। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला फैक्ट है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी नेवी के पास पानी में डूबने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जो केवल 3 प्लेन को कैरी करते थे। उन्होंने लॉन्च करके वापस फिर पानी में चले जाते थे। ये माना जाता है कि ये एक तरह की पनडुब्बी थी, लेकिन उन्हें एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। अगला फैक्ट यह है कि यूएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल एयरफोर्स है कि अगर हम सभी देशों की 70% एयरफोर्स भी मिला दें तो भी ये कम होगी। अगला फैक्ट नंबर 3, फ्रांस वालों ने अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम फेर्डिनैंड फोच के ऊपर रखा है, जो आपको जानकर हैरानी होगा। ये वही शख्स है जो कि ये कहता कि जहाज़ एक खेलने का खिलौना है और ना ही इसमें मिलिट्री में इसकी कोई वैल्यू है। फैक्ट नंबर 4, ब्राज़ील देश एक साउथ अमेरिका देश है, सबसे बड़ा देश है। उसने एक बार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ईबे वेबसाइट पर बेचने की कोशिश की थी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, यूएस के नए एयरक्राफ्ट कैरियर द जेराल्ड क्लास को चलाने का खर्च एक दिन का 7 मिलियन से भी ज़्यादा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, यूएस नेवी के न्यूमिट्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर 20 साल तक ऑपरेशनल रह सकते हैं बिना किसी रिफ्यूलिंग के। अगला फैक्ट दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूएस नेवी के पास ही 2 फ्रेश एयरक्राफ्ट कैरियर थे। अगला फैक्ट, अमेरिका के जितने भी नए एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन सभी में सारा पोप प्लाज्मा से भाप में बदला जाता है। अगला फैक्ट दोस्तों, यूएस के बाद फ्रांस ही एकमात्र देश है जिसने सफलतापूर्वक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया है। फैक्ट नंबर 10, गाइस, चाइना का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर वो चाइना का नहीं था, बल्कि ये यूक्रेन का डिकमिशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो एक चाइनीज बिजनेसमैन को बेचा गया था 1998 में। अगला फैक्ट दोस्तों, यूएस के एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस लेक्सिंगटन CV-2 ने एक बार टैकोमा शहर को 1 महीने के लिए बिजली की सप्लाई की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो पूरे शहर को बिजली दे सकता, आपको जानकर हैरानी होगी उसमें कितनी मेगावाट की बिजली इस्तेमाल होती है उसे चलाने के लिए। अगला फैक्ट दोस्तों, 1957, सिडनी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने पायरेट्स यानी लुटेरों के कपड़े पहनकर यूएस बेनिंगटन पर चढ़ गए थे और कैरियर के ब्रिज पर से ये ऐलान कर दिया कि हमने जहाज़ पर कब